हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है कॉलेज में एनुअल फंक्शन। सॉरी, मैं आपको रेडी होने के बाद ही दिखा रही हूँ। तो अभी मैं कॉलेज जा रही हूँ, आज है ट्रेडिशनल डे, तो मैंने साड़ी पहनी है। वो तो आपको कॉलेज में जाने के बाद ही दिखाती हूँ। चलो कॉलेज चलते हैं, फुल लुक दिखाते हैं और कॉलेज में क्या चल रहा है वो भी देखते हैं। तो अभी कॉलेज को हो चुकी हूँ और कॉलेज में है नॉन वेज और मैं कुछ ऐसे लग रही हूँ। कॉलेज में प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है और बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी। चलो मेरे दोस्तों के पास चलते हैं। कैसा लग रहा है मेरा लुक जरूर बताना। अभी मैं कॉलेज में आ चुकी हूँ और यहाँ पे चल रहा है प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन। सभी स्टूडेंट आ चुके हैं, मेरे दोस्त भी आ चुके हैं, तो आपको दिखाती हूँ। रुको, अभी प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, डांस हो चुके हैं और मैं काफ़ी लेट हो चुकी हूँ। अभी हम ग्राउंड पे आए हैं और यहाँ पे तीन जगह है जहाँ पे आप मस्त फोटो निकाल सकते हो कॉलेज की। एक है स्टेज के पास, एक फ्रंट ऑफ कॉलेज और ये ग्राउंड। यहाँ पे बहुत सुंदर लोकेशन है, यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर फोटो निकलता है। यहाँ से तो धूप भी आ रही है। अभी शाम हो चुकी है, 5 तो बजी चुके हैं। व्यू बहुत सुंदर है ग्राउंड का, आप देखो लोग आए हैं, हर जगह फैले हुए हैं सभी। आज बिल्कुल ट्रेडिशनल लुक है, तो बहुत लोगों ने मराठी लुक किया है, तो मैंने भी किया है और बहुत लोगों ने वेस्टर्न भी पहना है। बहुत खुश है, बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां लग रही है और लड़के भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये मेरा कॉलेज का फाइनल ईयर है और 3 साल से यही चल रहा है कि ट्रेडिशनल डे पर लड़कियां साड़ी वेयर करती है और लड़के कुर्ते वेयर करते हैं, आपको दिख रहा होगा। और कल है वेस्टर्न लुक, तो उस दिन पे डीजे नाइट है कल। तो डीजे नाइट के दिन लड़कियां पहनती है बॉडीकॉन ड्रेस, मैं वो भी आपको दिखाऊंगी जरूर। बॉडीकॉन ड्रेस पहनती है, शॉर्ट ड्रेस पहनती है, गाउन, और बॉयज पहनते हैं ब्लेजर, ब्लैक ब्लेजर ज्यादातर बॉयज पहनते हैं। मैं कल सब कुछ दिखाऊंगी आपको ब्लॉग के साथ, और जुड़े रहिए। बहुत कुछ दिखाना है, कैंटीन में जाना है, अभी खाना भी है, भूख भी बहुत लगी है, और स्टेज के पास भी जाना है, क्या चल रहा है तो वहाँ देखना है। यहाँ मैं फोटोज के लिए आई हूँ, यहाँ पर बहुत अच्छी फोटो निकलती है। अभी हम फ्रंट साइड पे आए हैं कॉलेज के और यहाँ पे रंगोली कॉम्पिटिशन हुआ था, तो आपको रंगोली दिखाती हूँ। कुछ रंगोली मिट चुकी है और प्यारी प्यारी। बहुत सारी कंपटीशन हुई थी, नेल आर्ट हुआ था, मेहंदी कंपटीशन हुआ था, रंगोली हुई थी,
आओ। बहुत भूख लगी है, सैंडविच ऑर्डर किया है, उसका ऑर्डर आ गया। आज का प्रोग्राम तो खत्म हो चुका है, अब मिलेंगे कल, सभी जा रहे हैं अभी। हेलो गाइस एंड गुड मॉर्निंग। तो आज है डे टू, आज है वेस्टर्न ड्रेस पहनना है आज। तो कल मैं बहुत कम व्लॉग कर पाई और व्लॉग भी मैंने स्टार्ट डायरेक्ट कॉलेज जाके ही किया, मतलब लुक खत्म होने के बाद। लेकिन आज है डे टू तो आज मैं पूरा व्लॉग करने की कोशिश करूंगी। अभी अभी मैं उठी हूँ, अभी फटाफट से नहाऊंगी, थोड़ा सा स्किन केयर करेंगे, फेस मास्क लगाऊंगी और ड्रेस को भी फिटिंग करने डालना है, तो वहां पर भी जाऊंगी, बर्डी में जाना है। तो मैं आज बहुत, मतलब आज पूरी कोशिश करूंगी कि मैं बहुत सारा व्लॉग बनाऊं। तो मैं आज कंटिन्यू कर रही हूँ व्लॉग को डे टू पे। तो चलो पहले मैं नहा लेती हूँ, रेडी होती हूँ, बाद में आपसे मिलती हूँ, ठीक है। एक बात मुझे बतानी थी, जो कि न्यू स्टूडेंट है, मतलब अभी एडमिशन करते हैं कॉलेज में, मतलब केडी के कॉलेज में जो भी एडमिशन कर रहा होगा अभी, तो उनके लिए एक टिप है कि ठीक है, वो मतलब फर्स्ट ईयर रहता है तो वो लोग ना, मतलब उनको पता नहीं रहता कि क्या पहनना है, कैसे जाना है, तो कुछ नहीं, जब भी नौमेश हो, जिस भी साल हो, तो बस ट्रेडिशनल डे के दिन आप एक साड़ी या अनारकली पहन सकते हैं, ट्रेडिशनल लुक। और अगर वेस्टर्न है तो कुछ भी मस्त हॉट सा शॉर्ट ड्रेस, बॉडीकॉन ड्रेस या लॉन्ग गाउन, जो भी पहनना है पहन सकते हो आप। लेकिन पहन के आओ यार, आप लोग मिस कर देते हो, जीन्स पहन के आ जाते हो, और क्योंकि आपको पता नहीं होता, इसीलिए मैं व्लॉग में बता रही हूँ कि जो भी ये व्लॉग देख के आ रहा हो तो उनको पता चल जाए कि क्या पहनना है, क्योंकि ये हमारे साथ भी हुआ था जब हम फर्स्ट आए थे, फर्स्ट ईयर में हमें भी पता नहीं था, हम भी मतलब ऐसे ही गए थे। तो इसीलिए ये मेरी टिप है, तो इसको जरूर सुनना। चलो अभी, हाँ सॉरी, मैंने लड़कों के लिए तो बताया नहीं, तो लड़कों के लिए ट्रेडिशनल डे पे कुर्ता पहनते हैं लोग, मतलब लड़के पहनते हैं कुर्ता कॉलेज में, और सेकेंड डे पे ब्लेजर पहनते हैं, तो ये आपके लिए है। तो अभी स्किन केयर में हमने ये जूडियो से लाया था फेस मास्क, तो वो लगाते हैं। इसको लगाना कैसे? पहले फेस धोना है। वो कौन धो के आती है? तो अभी फेस धो लिया है, अभी हम मास्क लगाएंगे। मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ ये मास्क, पता नहीं मुझे ये कुछ काम भी करता है या नहीं। झुड़ियों में था तो मैं ले आई, ये फटा हुआ है क्या या ऐसा ही होता है? पता नहीं। अभी इसको 15 मिनट बाद निकालेंगे। अभी हमारे 15 मिनट खत्म हो चुके हैं, अब देखते हैं कैसा, इसको रिमूव करते हैं। ओके, इसको वॉश करना होता है या क्या? मैंने तो पढ़ाई नहीं, पैकेट फेंक दिया। मेरे आईब्रोज मैं कभी करवाती नहीं, अभी तक मैंने किए नहीं, तो कुछ बोलना मत, कुछ फर्क तो लग नहीं रहा, मेरे डार्क सर्कल देख रहे हैं। ओके, सो अभी मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ, अभी थोड़ा सा काम है कॉलेज में, तो अभी मैं कॉलेज में जाके देखती हूँ कि वहाँ पर क्या चल रहा है। सुबह रात को तो ऑफकोर्स मैं शूट करूंगी और ड्रेस भी फिटिंग करने डालना है, तो चलो फटाफट चलते हैं बर्डी। अभी अभी
अभी कॉलेज का काम खत्म हो चुका है, अभी ड्रेस फिटिंग करने के लिए जा रही हूँ। कॉलेज में अभी तो कोई नहीं है, सिंगिंग कॉम्पिटिशन चल रही है, कुछ स्टूडेंट आए हैं और मैं अभी तक रेडी नहीं हुई हूँ। मुझे बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ करना पड़ेगा। चलो अभी घर चलती हूँ पहले। ओके, सो अभी घर आ चुकी हूँ। ये एक मैंने हैक देखा था, इससे हेयर बाउंस हो जाते हैं, कर्ल होते हैं, तो वो किया है मैंने। आई नो भूख जैसी लग रही हूँ। अभी मैं ड्रेस पहन के फटाफट से रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि अभी कॉलेज में गई थी, बहुत लोग तो आ चुके थे और मेरा अभी रेडी होना भी बाकी है। ड्रेस को भी मैंने स्टिच कर लिया है, जहाँ पे ड्रेस लिया था ना उन्होंने बहुत मतलब टाइट करके दिया था, मेजरमेंट लेके भी टाइट करके दिया था, तो अभी मुझे फिर जाना पड़ा और फिर उसको ठीक करना पड़ा। अभी ठीक कर लिया है, अभी मैं रेडी होती हूँ, बाद में आपसे मिलती हूँ। ओके, सो नाउ आई एम रेडी, अभी कॉलेज के लिए निकलते हैं, वहाँ जाके देखते हैं। ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके, 4 बज चुके हैं अभी और 5:30 तक की है डीजे नाइट, तो अभी चलते हैं और कॉलेज में देखते हैं कौन कौन कैसा लग रहा है और मैं कैसे लग रही हूँ, ये ज़रूर बताना। रेडी होके अभी जा रही हूँ, फ्रेंड को लेके आना था, लेकिन ये मेरी फ्रेंड है, हाय। तो फ्रेंड लेने आने वाला था लेकिन अभी तक आया नहीं, मैं पैदल ही शायद कॉलेज चली जाऊँगी ऐसे तो, और बहुत एम्बैरेसमेंट हो रही है, ऐसे चल रही हूँ मैं लिटरली। सो मैंने कॉलेज में एंट्री कर ली है और यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। रुको मैं बाद में दिखाती हूँ, मेरे दोस्त हो चुके हैं, हम उसे ढूंढ रहे हैं। मैं फ्रंट गेट पे हूँ और यहाँ पे हाउस आई मूर्त, इन्होंने ये कॉलेज स्टार्ट किया था 1984 में, तो वो भी हुआ, ज़्यादा मुझे पता नहीं इनके बारे में। ये भी बहुत सुंदर सजा हुआ है और मैं कुछ ऐसी लग रही हूँ राइट नाउ। ये मेरा पूरा लुक है, मुझे लग नहीं रहा कि मेरी जूती इससे मैच कर रही है, लेकिन अभी ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, बहुत सारे फोटोज निकाले हमने और यहाँ पे अभी भी फोटो शूट चल रहा है, रुको दिखा दी। ये है हमारे कॉलेज का अभी फ्रंट गेट, यहाँ पे इतने सारे हैं, आधे आधे डिवाइड होके जा अच्छे अच्छे फोटोज निकल रहे हैं, वाह वाह लोग जा रहे हैं, वाह वाह पे जाके फोटोज निकाल रहे हैं, सिर्फ बैकग्राउंड देख रहे हैं आज तो वैसे मैंने भी वही किया। अभी मैं आई हूँ स्टेज के साइड पे और यहाँ पे लग रहा है। सब लोग चले गए, देखो सूना कॉलेज। तो अभी हम वीकेंड ट्रिप में खाने आए हैं और सबने अपना अपना ऑर्डर ले लिया है, तो बहुत भूख लगी है, बहुत थक चुके हैं, खाते हैं पैसे बाद में। मेरा खाना पीना सब कुछ हो चुका है, बहुत टेस्टी था खाना और बहुत टायर्ड हो चुकी हूँ, बहुत नींद आ रही है, सब कुछ पैर दर्द कर रहे हैं डांस कर करके। तो अभी ब्लॉग बंद कर देती हूँ, अगर मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।